उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी योगी सरकार से बेरोजगारों और युवाओं के हक की बात कर रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस ने दिया है, लेकिन राजस्थान के कई ऐसे हजारों युवा हैं बेरोजगार जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लंबित जितनी भी भर्तियां हैं उन पे सरकार क्यों नहीं सोच रही। इसीलिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के ये तमाम जितने भी बेरोजगार हैं 27 तारीख से कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलना चाहते हैं ताकि उनकी मांगों को सुना जाए। और लगातार ऐसी लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं जो लगातार राजस्थान में मांग कर रहे हैं और धरने पर हैं। यहाँ क्यों आए हैं आखिर? राजस्थान में तो सरकार है गहलोत, यहाँ पे क्यों आना पड़ा? लेकिन समझौता हुआ था हमारा कांग्रेस सरकार से और राहुल गांधी जी को समर्थन दिया था, प्रियंका गांधी जी से मिले थे, हमारी मांगों के लिए आए हैं। यहाँ चुनाव है, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, तो राजस्थान में इनकी सरकार हमें रोजगार दीजिए। रही बात यह, हमें कह रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट है, ब्लैकमेलर है, तो हम खुला चैलेंज दे रहे हैं, एक मिनट में चले जाएंगे, आप साबित कर दीजिए, सबूत दे दीजिए, हमारी सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमारा अधिकार इसलिए आया है और हमारे मांगों को पूरी नहीं कर दे, क्यों लिखित समझौता, हम नहीं जाने वाले, हमारी यहाँ से लाशें जाएंगी, हमारा अनशन चल रहा। कितने लोग हैं आपके साथ में, क्या प्रमुख मांगे आप? राजस्थान में लाखों लोग जुड़े हैं, हमारा आंदोलन वहां भी चल रहा है, इन्होंने अभी हैशटैग चलाया, हमें ब्लैकमेलर बनाया, इन लोगों की हालत खराब कर दी राजस्थान के युवाओं ने, उनको जवाब दे दिया है, ये छुपके बगैर अपने वो ट्वीट डिलीट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता चल गया कि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, हमारे अधिकारों के लिए आए हैं, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हम प्रियंका गांधी जी से मिलकर ही जाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए हम नहीं जाने वाले, यहाँ से हमारी लाशें जाएगी क्योंकि हम मर के ही जाएंगे, हम जिंदा नहीं जाएंगे। क्या कांग्रेस सरकार ने वादा किया था पूरा नहीं किया आपके यहाँ? साहब लिखित में समझौता हुआ था, ये लिखित मंत्रियों के समझौते हमारे पास पड़े, ये लिखित समझौते की मांगे, ये मंत्री राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग के साइन है, ये 23 फरवरी 2021 को लिखित समझौता हुआ था, रात को 12 बजे आए थे इन बहनों के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ। क्या सहमति हुई थी कि आपकी मांगे एक महीने पूरी कर देंगे? उसके बाद हमने उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी उतारे, हमने समर्थन दिया कांग्रेस को और फिर हमने अनशन किया, अनशन तोड़वाया, तो लगातार उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हम दुखी होकर यहाँ आए हैं और प्रियंका गांधी जी से गुहार कर रहे हैं कि यहाँ युवाओं की आप आवाज उठा रहे हैं तो राजस्थान के युवाओं को न्याय चाहिए। प्रियंका गांधी तो यहाँ लड़कियों को पूरी तरीके से जोड़ रही है, यहाँ के 20 लाख नौकरियों की बात कर रही है, आपके लोगों को लेकर के अभी तक कोई बात नहीं? नहीं अभी तक बात नहीं, यहाँ लड़कियां बैठी है, एक महिला तो प्रेग्नेंट है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्या ये महिला ही नहीं है, क्या इनकी आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये अलग से हैं, ये भी देश से तो हैं, तो इनकी महिलाओं से बात करते हैं। आप बहन जी यहाँ पे आई हुई हैं, कितनी दिक्कत हो रही है, क्या सोच के आई हैं? हम जालौर से आ रहे हैं, 2013 से हमारी भर्ती है, NMGNM अभी तक पूरी नहीं, 8-9 साल हो गए हम रोड पे भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करे हैं, और अशोक गहलोत ने पहले हमारी भर्ती निकाली थी, फिर भाजपा आई और फिर अशोक आ गए तो भी नहीं पूरी कर रहे हैं, अभी यहाँ प्रियंका गांधी के पास आए, ये हमारी सुनवाई करेंगी और महिलाओं को लग रही है आपको प्रियंका गांधी आपकी बात सुनेंगी, आपको लग रही है कोई उम्मीद? हाँ सर, हम यही प्रियंका गांधी के पास मिल के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम, भले चाहे हमें हमारी लाश चाहेगी पर उठेंगे नहीं हम से। लड़कियों को जोड़ने की बात करती है प्रियंका गांधी, और आपके यहाँ आपके आपके इलाके की महिलाओं की क्या हालत है वहाँ पे? हमारे इलाके की महिलाओं की हालत तो यहाँ यूपी में 4 दिन से अनशन पे बैठे हैं, तो आप देख रहे हो हम सामने ही हैं, मीडिया के सामने भी, हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन ने भी कल बहुत ज्यादा दबाव बनाया था, यहाँ के कांग्रेस नेताओं ने या उनके जो प्रवक्ता हैं उन लोगों ने तो हमें बीजेपी का घोषित कर आश्वासन मिल रहा है, नेता क्या कह रहे हैं? नेता क्या कह रहे हैं? नेता तो हमें कह रहे हैं कि 500-500 में किराए के भाड़े के लोग बैठे हो, एक बार ये लोग अपनी बहन बेटे को राजस्थान में एक नाइट के लिए 1000 रुपए में भेज के देखो ना, अगर हम किराए के होते तो 4 दिन तक कौन बैठने देता हमें? हमारी एक ही उम्मीद है, हम प्रियंका दीदी जब तक नहीं मिल जाएगी, ना हम खाएंगे ना पियेंगे, जब तक वो नहीं मिल जाएंगे हम ना अनशन तोड़ेंगे और यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हमारी लाशें जाए, चाहे प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बनाए, चाहे कांग्रेस के नेता बनाए, चाहे प्रवक्ता बनाए, चाहे यहाँ के जो कार्यकर्ता वो बनाए। तो यहाँ हर महिलाओं से मिल रही है, संवाद कर रही है, राजस्थान की महिलाओं के लिए समय नहीं उनके पास? नहीं है सर, हमारे लिए किसी को समय नहीं है, होता तो हमारे पास आ जाते हैं, 4 दिन में आ जाते हैं। आपके घर की कहाँ से आई हैं आप? हम राजस्थान से हैं सभी। क्या हालात है आपके घर के इस वक्त? हालत बहुत बुरे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 5 परिवार हमारे पीछे, आप देख लो समझ सकते हो, एक बहन बेटी जब घर से निकलती है तो क्या हालत होती है उस घर की। क्या युवाओं का यही हाल है राजस्थान में? यूपी के युवाओं की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी, राजस्थान के युवा की ही बात है? राजस्थान के युवाओं बेरोजगार हैं और बहुत बुरी कंडीशन में है, हम लोगों को साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमारी भर्तियां कहीं अटका देते हैं, कभी हमारे पोस्ट नहीं बढ़ती है, ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसी हालत है। हमारे रीट की भर्ती हुई है अभी 2021 में, उसमें 31,000 पद है और हम चाहते हैं उसमें 50,000 पद हो, क्योंकि उसमें फर्जीवाड़े हो गए हैं और जो पढ़ने योग्य। सरकार संवेदनशील नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सरकार।
साफ तौर पर एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में 20 लाख रोजगार देने की बात करती है, महिलाओं को लेकर के कैंपेन चल रहा है, लेकिन लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठे राजस्थान के बेरोजगार लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हैं और 27 तारीख से अनशन पर बैठे प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने की बात कर रहे हैं। अब सियासी माहौल में क्या इनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से होगी और क्या बेरोजगारों के हक की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी राजस्थान के बेरोजगारों को लेकर के क्या रुख अपनाएगी, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा।